दोस्तों मंगल ग्रह। सौरमंडल में जीवन की तलाश के लिए बार बार हमारी नजर मंगल ग्रह की दुनिया पर जाती है। इसके लिए दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह पर कई सारे अंतरिक्ष यान दौड़ा चुकी है। अभी हाल फिलहाल मंगल ग्रह के बारे में जो नई डिस्कवरी सामने आई है, उसमें मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी का दावा किया गया है। मंगल ग्रह के 75,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में नमक की झील मौजूद है। तो क्या मंगल ग्रह पर भी जीवन पनप रहा है? क्या मंगल ग्रह पर पहले जीवन मौजूद था? तो चलिए आज आपको इस वीडियो रिपोर्ट में इन सभी सवालों का जवाब देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश खत्म नहीं हुई है, मगर अभी तक वैज्ञानिकों को पुख्ता प्रमाण तो क्या, आश्चर्यजनक संकेत तक नहीं मिल रहे थे। पिछले कुछ सालों से दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह पर जीवन के आसार ढूंढने में जी तोड़ मेहनत कर रही है, जहां पर काफी हद तक जीवन के प्रतिकूल स्थितियां नजर आती है। बहुत कम तापमान जिससे सतह पर तरल पानी का न होना इसमें सबसे प्रमुख कारण है। लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि मंगल की सतह के नीचे तरल पानी के भंडार हो सकते हैं। इसके संकेत यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मंगल अभियान मार्स एक्सप्रेस से मिले हैं, जिसने मंगल ग्रह पर तरल पानी के संकेत खोजे हैं। अब सवाल ये आता है, आखिर मंगल ग्रह में ये कौन सी जगह पर मिला है पानी? दोस्तों आपको बता दें कि मार्स एक्सप्रेस ने मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की सतह के नीचे बहुत से पानी की जगहों की खोज की है। इस खोज को अंजाम देने के लिए मार्स एडवांस रेडार फॉर्म सब सरफेस एंड आयनोस्फीयर साउंडिंग उपकरण की मदद ली गई थी। इसे आसान शब्दों में मार्सिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर मार्सिस ने कैसे खोजा पानी? शोधकर्ताओं के अनुसार नमक की झीलों के होने की पुष्टि मार्स एक्सप्रेस में लगे उपकरण मार्सिस से हुई थी। इस उपकरण से मंगल ग्रह की सतह पर रेडियो तरंगे डाली जाती है, जो टकराकर वापस लौटती है, और उनके विश्लेषण से ही यह नतीजा निकाला जाता है। दोस्तों ये तकनीक काफी भरोसेमंद है, क्योंकि धरती पर भी जो ग्लेशियर वाले क्षेत्र है, इसी के जरिए पानी और बर्फ चट्टानों का आंकलन इसी तकनीक से किया जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार मंगल ग्रह पर करीब 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में नमक की झीलें मौजूद होने का अनुमान है। ये जर्मनी के पांचवें हिस्से के बराबर का क्षेत्र है। माना यह जा रहा है कि कभी ये क्षेत्र नमक की अत्यधिक मात्रा वाला समुद्र रहा होगा। मंगल ग्रह के बारे में आश्चर्यजनक खोज पहली बार नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी साल 2018 में वैज्ञानिकों ने इसी मार्सिस उपकरण का उपयोग करके इस बात का दावा किया था कि उन्होंने मंगल ग्रह की जमीन के नीचे बहुत ही बड़ी पानी की झील का पता लगाया है। मगर कई सारे वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं है कि खोजा गया इलाका तरल पानी का भंडार है। इस बार जिन तरल भागों के बारे में पता चला है वे अलग है। इससे पहले जितने भी गीले इलाके मिले उनमें मुख्य सूखे इलाके में बहुत सारे पानी वाले इलाके भी शामिल थे, जो बहुत से खारी झीलों से भरा क्षेत्र बनाए दिखाई देता है। लेकिन इस बार एक बड़ा तरल पदार्थ वाला भूभाग मिला है। दोस्तों इस नई डिस्कवरी से मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में हमें एक नई दिशा हाथ लग सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह पर जीवन के लिए तरल पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में इस खोज से यहाँ पर जीवन मिलने की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। ये मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस बात के प्रमाण तो कई अंतरिक्ष एजेंसी दे चुकी है कि एक समय मंगल ग्रह पर पानी जरूर था, और हो सकता है कि वहां पर जीवन भी पहले रहा होगा। पानी के इन संकेतों की पुष्टि नासा का हाल ही में भेजा गया रोवर भी अगले साल कर सकता है, क्योंकि उसका एक मकसद मंगल ग्रह पर पानी खोजना भी है और साथ में मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करना भी है। यह अंतरिक्षयान 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के जजीरो क्रेटर पर उतरेगा। दोस्तों इस खोज से इस बात की पुष्टि तो हो जाती है कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर समुद्र और झीलें मौजूद रही होगी और वहां आर्कटिक जैसा जीवन रहा हो सकता है। अब इसके ऊपर आपका क्या कहना है, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।